तेरा बन जाए। आज जो देखी है ना, है घर पे जाके सबको बताइए अच्छे से। ये जो हमारी बीबी है ना प्रतिज्ञा, जो कभी धीरे से भी आई लव यू नहीं बोलती थी, आज सबके सामने जहान भर में चिल्ला चिल्ला के हमको आई लव यू बोली है। क्यों क्यों साले साहब? वैसे आप सब बैठे का हैं, कुछ खाते का ही नहीं? खाओ ना, ऑर्डर करो आराम से। मंगवाओ। ये लौंडा लपेटे में आया कि नहीं? अरे इके तन मन में ना बोरी सिलने के सूजे लगे हुए, इको लपेटे में लेकर घायल होना है का? अरे कौन कुछो कर ले, इकी जबान टस से मस नहीं होती। अबे दूसरों पे ना इल्जाम लगाना बंद करो, समझो पहले अपने अंदर की गलती देखो। अरे तुम में कुछ अच्छा देखेगा तभी तो करेगा का? प्यार बज रहा है का? फोन होगी बाबूजी का। लो हमको। हाँ बाबूजी प्रणाम। का हेलो? अरे अरे बाबूजी हजार बार बोले ही, मुंह पे इतनी दाढ़ी मूछ रखते हो ना, बात में ही फंस जाती है बस। ये लो कट गया। ये यहाँ का है, कायदे की लाइन नहीं मिल रही, हम जरा बाहर बात करके आते हैं, समझो। अरे कुछ खा लो यार। हैं ए तुमको बहुत ही मजा आता है ना हमारे भाई के मुंह से तारीफ सुन के, साला ई चक्कर में हमारी जिंदगी नरक हो गई। तुमको कौनो शर्म वरम नहीं आती का? जितना बोलो ना उतना कम पड़ता है तुम्हारे लिए। ससुरे भिख मंगे। कोमल हम बोल नहीं रहे तो बेमतलब का तमाशा मत करो। अगर तुम्हें हमसे कोई शिकायत है तो घर जाके भी सुलझा लेंगे, यहाँ बेमतलब का बवाल करने का कोई फायदा नहीं। अच्छा अब हम कुछ बोल रहे हैं तो हम बवाल खड़ा कर रहे हैं? अरे ईसा भी सारी प्रतिज्ञा की वजह से हुआ है। देखो तमीज से बात करो वरना बहुत बुरा होगा। ये साले तेरी तो गाली मत दो। देंगे का करेगा बे? भैया आप प्लीज शांत हो जाइए। भाभी भैया किस व्यवहार के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। अब ज्यादा नाटक मत फैला। पहले खुद है तमाशा खड़ा करती है और बाद में माफी मांगती है। चल बे बना दे, अब लिख के देखा। अरे हमरा ही भाई हमको ताना मार गया के हमें कुछ है ही नहीं प्यार करने लायक। सब कुछ तो प्रतिज्ञा में है ना। अरे लाल जड़े हैं उसने और हमने काटे। हाँ बाबूजी क्या कह रहे थे? हाँ बाबूजी अबे बेहुदे है भाई, तुम्हें टाइम मिला कहाँ बे? हाँ बाबूजी अबे भंगियाया रहता कहाँ बे तू? जब कुछ बोलो सुनबे नहीं करेगा, खाली अपनी डुगडुगी पीटेगा। अरे बाबूजी यही तो वक्त है डुगडुगी बजाने का है? अरे अभी जश्न नहीं मनाएंगे तो क्या तुम्हारी उम्र में बनाएंगे? सुनो बेटा इस सिखी पढ़ी बनरिया जो है ना डुगडुगी पे नाचती है, हमको नहीं लगता कि तुम्हारी डुगडुगी पे नाच पाएगी। अरे बाबूजी आप ही के बेटवा हैं, हैं? तो छोटी बात है का? देखो हम कैसे नचाते हैं बंदरिया देखो। ए बेटा बंदरिया नचाओ चाहे ना नचाओ लेकिन अपना फायदा निकाल लियो। पता लगा तुम हाथ झुलावा चले आ रहे हो, समझो। और एक चीज और सुन लियो, ठाकुर की औलाद हो मर्द बन के वापस आयो, समझो। बेटा मर्दानगी और ठकुराई
और कौनो चीज से ना, सिर्फ एक चीज से पता लगती है, वो है राजा ताकत। जो चीज सीधे ना मिले अपनी ताकत से हासिल कर लो, छीन ले बे, हम है ना बेटा, समझो। फिर शुरू हो गए ना तीर तलवार, हैं? अरे हम हासिल करेंगे लेकिन प्यार से, बताए रे। अब एक काम करो, ये सब छोड़ो, दादा बनने की तैयारी करो, समझो। और आओ दो चार कुर्ता सुर्ता सिलवाए लियो, काय गंदा करने वाला आएगा ना, फिर क्या करोगे, अभी से तैयारी करो, समझो। बेटा पिपेरी, देखते हैं ताल ठोक के जो बता रहे हो ना, देखते हैं तुम्हारी जबान कहां तक सही और सच्ची साबित होती है, देखते हैं। अच्छा छोड़, ही बता वो हमारी बिटिया कोमल कैसी है, बात करा ना, बता कैसी है। कोमल एकदम मस्त का है, अरे यहाँ की हवा में बहुत खुश है, बहुत ऐश कर रही है, मतलब खुश है ना। और हमारे दामाद जी आदर्श बाबू, आदर्श ऊका का है, कोमल नचाई जा रही है, वो खुशी खुशी नाच रहा है। अच्छा हाँ सुन, ए कोमल बिटिया को एक चीज बता दियो, ज्यादा हुआ हल्ला ना काटे, बवाला ना काटे, समझो। हाँ घर ना ना परदेश है बेटा, इतना समझा दियो, समझो। हाँ बाबू जी हम है ना, फिर बिल्कुल ठीक है, बुताए दे। राजा बाबा जवान दिया, राजा चल देखते कहाँ सुख और चैन की जिंदगी जीते थे, लेकिन जब से प्रतिज्ञा हमारे भाई की जिंदगी में आई है ना, जिंदगी नरक बन गई। अब बार बार बोलना पड़ेगा का, दे नहीं तो देंगे। मैडम आपको बहुत ज्यादा हो चुके हैं, अब आप बस कीजिए। तेरी ऐसी के तैसे, अरे तू कौन होता है हमको बोलने वाला, अरे तुमको क्या फर्क पड़ता है, अरे पैसा दे रहे हैं तुमको, चल दे हमको समझा। ओ प्रतिज्ञा को काई नहीं समझाता है, मैडम वृद्धा को ना हम आज बहुत घूसा मारेंगे, और बहुत मारेंगे उसको आज। अरे मैं भाई के साथ ना मिलके गैंग बनाई है, गैंग है। अरे यार लड़की है क्या आइटम बम, चुप बैठना यार, कहीं तेरे पे फट गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे एक एक को घसीट के मारेंगे सालो। भाभी ये क्या कर रही है, लाइए भाभी, छोड़ो भाभी, ये क्या कर रही है, चलो यहाँ से भाभी चलो। अरे हम नहीं जाएंगे, तुम्हारे बाप का नहीं पी रहे हैं और ना ही तुम्हारे भाई का। भाभी चलो, भाभी छोड़िए प्लीज, कमरे में चलो चलो। अरे ओ मैडम छोड़िए ना, एक तो ये सबका दिल बहरा रही और आप इन्हें कहाँ लेके जा रहे हो, ओए इधर आ जा, दारू से नहला दूंगा मैं दारू से। आप ये क्या कर रहे हैं, हम नहीं जाएंगे, हट भाभी, चल बना भाभी बना, छोड़ो चल चल। क्या बोला बे? अरे सब इसमें नाराज होने क्या बात है, यहाँ सब लोग मजे ले रहे हैं, तुम भी लो ना। चुप कर, अगर एक लफ्ज भी अपनी जबान से निकाला ना तो तुम्हारा ये मुंह तोड़ के रख देंगे हम, समझे? अरे भाई तुम क्यों इतना बेचैन हो रहे हो, क्या लगती है तुम्हारी? हमारी बीवी लगती है वो।
सुना सालो, रे बीवी लगते इसके। अरे होश में होता है तो शर्म आती है कहने में। और देखो पी के कैसे बोल रहा है। देखो हाँ हाँ, तुम्हारे अलावा हम सब यहाँ पिए हुए हैं। पहले तुम चलो यहाँ से। चलो यहाँ से। अरे हम नहीं जाएंगे, मारेंगे सबको। सबको मारेंगे। अरे का पहले जो चढ़ी है ना वो उतर जाए तो बेटा है मारेंगे। गामा पहलवान हो गई दारू पी के है। तू उठ जा, तू कहाँ आया है? फेंक देंगे तबड़ा खींच के। का ये सब अच्छा लगता है क्या करने में? बोल, ये सब करना अच्छा लगता है? अरे शरीफ घर की बहू बेटी ये सब नहीं करती, समझो? खूब नाम रोशन कर दिए बाहर आके, नानी कहाँ से सीख गई है। तू तो इतना अच्छा आदमी मिला है जो कुछ कह ही नहीं रहा है। हमारे जैसा आदमी होता ना फिर पता चलता तुमको। क्या ले ऊपर देख। ए बेटा ऊपर देख, आँख खोल बेटा। तुमको हो गया तगड़ा नशा, समझो? पूरा पश्चिम कछु ज्ञान नहीं तुमको। का ए चलो प्रतिज्ञा लेके जाओ। चलो साले साहब वो भी लेके जाओ। चलो हम नहीं जाएंगे। बना के दे एक और। भाभी छोड़ो छोड़ो, भाभी छोड़ो। अरे बाबूजी को फोन लगाए ना, आके मुरब्बा बना देंगे तुम्हारा, तब पता चल जाएगा। ले प्रतिज्ञा लेके जाओ एक। अरे कहाँ रहे तुम लोग हैं? अबे कोनो काम धंधा नहीं है का? चलो चलो ना बेटा, एक एक का पोस्टर छाप देंगे यहीं पे, बताए रहे। चलो चलिए चलिए। चलो साले साहब आप ही लेके जाओ कमरे। चलिए। अरे संभल के भाभी। अरे मैनेजर यहाँ आओ बेटा। ये जो जो सत्यानाश हुआ है ना है, ये सबका बिल जोड़ लियो और हमें हिसाब में जोड़ दो। सर यहाँ पे बहुत सारी महंगी चीजें भी थी, मैडम बहुत कुछ तोड़ सकती थी। तो क्या हुआ, तोड़ देती है? अरे हम बैठे ना यही लिए तो हिसाब पूछ रहे हैं। क्या लंपट आदमी हो यार तुम है? अरे तुमसे ज्यादा है ना, हमारे वहाँ ठेके पे जो ट्रैक्टर चलाते हैं वो ज्यादा कमाते हैं, समझो? नहीं औकात में रहती बात, जल्दी हिसाब करो। चलो समझो और जाओ यहाँ से। हमका सिखा रहा है।